तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन और आज हम बात करने वाले हैं बीबी की वाइंस एंड आशीष चंचलानी के बारे में। तो बीबी की वाइंस कल अपने इंस्टाग्राम में लाइव आए थे एंड उस लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन किए थे आशीष चंचलानी उनके साथ एंड दोनों बात कर रहे थे। वो दोनों काफी सारी चीजों के बारे में बात किए, जैसे आशीष चंचलानी बीबी से पूछे कि उनका वो अजनबी सॉन्ग कब रिलीज हो रहा है। बीबी कहे कि एक्सपेक्टेड है कि इसी वीक में वो रिलीज कर देंगे। बट देन वो लोग दोनों बात की एक कोलैब के बारे में। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद सुन लीजिए वो लोग क्या बात किए इस चीज के बारे में। बढ़िया करते हैं, चल चल आप बनाते यार, बड़ा मन है यार साथ में। तो यार मेरे पास लोगों को पता नहीं, लोग इधर देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास इतने प्लान्स है ना साथ के लिए, बस मैं वो हगना नहीं चाहता हूँ यार। भाई भाई पता है कि मैंने नोटिस किया है, जो सबसे एंटिसिपेटेड कोलैब्स होते हैं ना, वो कभी बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो अच्छे होते हैं। वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज हैं, जबरदस्त नहीं नहीं करते हैं यार, अच्छे से करते हैं, बढ़िया से। चलो पब्लिक के सामने बोल ही दिया तो करते हैं। डन 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 भाई। तो जैसा कि उन्होंने लाइव में बात किया कि वो लोग कोलैब करेंगे बहुत जल्द, सो लेट्स सी उनका कोलैब वीडियो कब तक आता है एंड क्या आप इस चीज के लिए एक्साइटेड है मेरे को जरूर बता देना। बीबी की वाइन से रिलेटेड एक और न्यूज है, रणवीर सिंह अपने इंस्टाग्राम लाइव में बीबी के बारे में बात किए। मैं वीडियो प्ले करके नहीं दिखा सकता क्योंकि पीछे कॉपीराइटेड म्यूजिक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं वो क्या कहे अपने लाइव स्ट्रीम में। सो बेसिकली रणवीर सिंह बात किए बीबी के डबिंग वीडियोस के बारे में। उन्होंने कहा कि वो जो रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण उनका मैरिज वाला डबिंग था वो भी देखे, देन और भी जो डबिंग वीडियोस बीबी रिलीज करते हैं अपने इंस्टाग्राम में बहुत फनी है वो, तो वो उसी चीज के बारे में बताया कि उनके डबिंग काफी एंटरटेनिंग एंड फनी होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रिगर्ड इंसान का लेटेस्ट वीडियो एज रेस्ट्रिक्ट हो गया था विदाउट एनी रीजन, एंड आज वो अपडेट दिए हैं किसके रिगार्डिंग कि उनका वो वीडियो अब वापस नॉर्मल हो चुका है, दैट मींस एज रेस्ट्रिक्शंस उस वीडियो से हट चुका है। इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए वो ये कहे, ओके गाइस, तो एक बार फिर से ये साबित हो चुका है कि YouTube इंडिया में कोई बैठा हुआ है जिसको मुझसे दिक्कत है। अभी मैं प्रूफ देगा तुम लोगों को, यू नो व्हाट, जो वीडियो मैंने अभी दो दिन पहले डाली थी भूत वाली, वो एज रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, तुम लोगों को याद होगा, आज उसकी एज रिस्ट्रिक्शन हट चुकी है। तो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन मैन, तो बेसिकली जब मैंने वीडियो अपलोड करी YouTube इंडिया में, किसी ने बैठे हुए देखी वीडियो, उसको लगा वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ गलत है। आज किसी ने वीडियो देखी उसको लगा नहीं इसमें कुछ गलत है ही नहीं। तो दिस प्रूव्स माय पॉइंट वंस अगेन दैट YouTube को मुझसे कुछ दिक्कत है। अभी कोई मेरे को ये बोल दो कि मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं मान जाऊं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं द फाइनेस्ट ट्रेंड्स के बारे में। तो मैंने आप लोग को बताया था कि फाइनेस्ट ट्रेंड्स का चैनल हैक हो चुका था, बट वो कहे कि उनका चैनल अब उनके पास वापस आ चुका है, दैट मींस अब रिस्टोर हो चुका है। तो चलिए अब कुछ गेमिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं बीस्ट बॉय शुभ के बारे में। तो बीस्ट बॉय शुभ गए थे कैलिफोर्निया में टू अटेंड द फर्स्ट एवर यूट्यूब गेमिंग समिट। वो अपने चैनल में आज एक व्लॉग अपलोड किए पूरा बिहाइंड द सीन्स ऑफ दिस, सो अगर आपको वो देखना है तो मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं द गेमर टॉयज के बारे में। तो द गेमर्स टॉयज अपने चैनल में कल एक वीडियो अपलोड किए थे कॉपीराइट स्ट्राइक फ्रॉम ब्लिजर्ड एंड ऑफ माय ड्रीम्स। सो ये करीब 25 मिनट्स का वीडियो है, बट मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या बोले वो इस वीडियो में। सो रिसेंटली ओवरवॉच जो गेम है वो ऑर्गेनाइज किया था ओवरवॉच वर्ल्ड कप, एंड उसमें से एक इंडियन टीम भी क्वालिफाई की थी, एंड द गेमर्स टॉयज जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे ओवरवॉच के कम्युनिटी को, एंड वो बिल्ड करना चाहते थे इंडिया में ओवरवॉच का एक कम्युनिटी। तो वो इस इवेंट को काफी ज्यादा प्रमोट किए थे टू हेल्प द इंडियन टीम जो क्वालिफाई किए थे वर्ल्ड कप में। अब क्या हुआ, जिस दिन ओवरवॉच का ये मैच था, इंडिया वर्सेस इटली का मैच था, तब द गेमर्स टॉयज अपने यूट्यूब चैनल में लाइव थे एंड वो इस ओवरवॉच के लाइव स्ट्रीम को अपने चैनल में चला दिए। अब इसको चलाने से उनके चैनल में उनको कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, तो अब वो अपने चैनल में नेक्स्ट 3 months तक स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, एंड वो अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत ज्यादा चीज इन्वेस्ट किए थे, टाइम मनी एंड एवरीथिंग, इवन वो अपने जॉब से भी 3 months का लीव ले लिए थे विदाउट पे। सो उनके चैनल में जो स्ट्राइक आया, आई डोंट थिंक दैट्स फॉल्स, बट द गेमर्स टॉयज का इंटेंशन पैसा कमाना नहीं था उस स्ट्रीम से, उनका इंटेंशन था इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में ओवरवॉच को लाना। वो मेल करने का भी कोशिश किए उनको जो स्ट्राइक दिए उनको, बट वो मेल नहीं हो पाया। सो अब फाइनली उनके पास एक ही तरीका है ब्लिजर्ड के पास पहुंचने का, वो है थ्रू ट्विटर। तो ट्विटर में वो एक ट्वीट किए हैं बहुत लंबा सा एक्सप्लेन करते हुए उनका सिचुएशन को। सो अगर आप इस ट्वीट को जाके रिट्वीट कर सकते हैं सो दैट विल हेल्प हिम अ लॉट। सो या इस ट्वीट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉम मुर्मू ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स, देन एकेबी मीडिया ने कंप्लीट कर चुके 1 million सब्सक्राइबर्स, देन क्लैश यूनिवर्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 million सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली जयपुर टीवी को मिल चुका है उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मैंने कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फेस जार्विस के बारे में। तो जार्विस एक बहुत ही पॉपुलर फोर्टनाइट प्लेयर है। तो जार्विस कल अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया, आई हैव बीन बैंड फ्रॉम फोर्टनाइट, आई एम सॉरी। सो इस वीडियो में वो बताया कि उनको फोर्टनाइट से परमानेंटली फॉर लाइफ टाइम बैन कर दिया गया है। अब इन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया फोर्टनाइट से? बेसिकली वो अपने चैनल
में एक दो वीडियोस बनाए थे एम बॉट यूज करके। वो इस वीडियो में कहे कि वो एंटरटेनमेंट के लिए उस वीडियोस को बनाए थे एंड वो चीटिंग को प्रमोट नहीं कर रहे थे एंड कि वो कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि वो वीडियोस के वजह से उनको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा फोर्टनाइट से। अगर उनको ये चीज पता रहता तो वो ऐसा वीडियोस कभी नहीं बनाते। इस वीडियो के एंड होते होते वो रो भी दिए थे एकदम। एक क्लिप में आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। Posted some videos of me using aimbot in solos and playground mode, and just all I was thinking about whilst I was making those videos was just how entertaining and like interesting these videos would be for you guys to watch. It didn't even cross my mind to think that I could be banned for life on Fortnite from those videos. I just want to be clear, this is my first time I've ever done anything like this, and of course I have never done this in a competitive game mode at all. Yeah. I just know now that I can never go to any other events or like even be a part of the Fortnite community. I know now how big of a mistake this was, and like, it's just, there's nothing I can. तो भाई आपको क्या लगता है, क्या वो ये चीज डिजर्व करते थे? मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक के बना कहीं मत जाना यार। आज का लाइक हम रखते हैं 30,500 लाइक। साइन अप लो कंप्लीट कर दोगे तो फटाफट कंप्लीट कर देना यार। एंड अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं ऐसे आप लोग के लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहता हूं पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से कि भाई क्या चल रहा है इधर। एंड अगर आपको मेरे को कोई न्यूज भेजना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके अगर आपको पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले सबमिट करोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। एंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।